बाद में पुलिस ने बीजेपी विधायक के मामा की हत्या का खुलासा करते हुए हत्यारोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गाजियाबाद पुलिस ने बीजेपी विधायक अजीतपाल त्यागी के मामा के हत्याकांड का खुलासा किया है, जिसमें एक आरोपी जितेंद्र त्यागी गिरफ्तार किया गया। गाजियाबाद के लोहिया नगर में 9 अक्टूबर को गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस के मुताबिक इसमें मृतक के बड़े भांजे की भी हत्या में शामिल होने की बात पुलिस कह रही है। आपको बता दें, 9 अक्टूबर की सुबह बीजेपी विधायक के मामा की हत्या कर दी गई थी, जिसका आज पुलिस ने खुलासा कर दिया। सुधाकर चौहान, गाजियाबाद, समाचार 24। दो अज्ञात जो है शूटरों ने कर दी थी, उसके संदर्भ में जो है मुकदमा अभियोग पंजीकृत किया गया था थाना सिहानी गेट में। कई टीमें इसमें गठित की गई थी, उसके सफल अनावरण हेतु और मुखबिरी भी काफी कराई गई थी, सर्वेलांस की भी मदद ली गई थी। जो कुछ तथ्य निकल के आए थे, उन तथ्यों के आधार पे जो है आज सुबह जो है सियानी थाना पुलिस ने जो है जितेंद्र को गिरफ्तार किया है। उससे पूछताछ हुई है, उससे पूछताछ में जो चीजें उसने बताई, उसने बताया है कि जो मृतक के जो बड़े भांजे हैं, वो और ये दोनों मिलकर इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। और करीब घटना होने के काफी समय पहले, 1.5-2 महीने पहले ही उन्होंने इस चीज की प्लानिंग कर ली थी। और ये उन लोग का मोटिव प्लान ये था कि जब घटना होगी उस समय वो अपने आप को यहाँ पे नहीं शो करेंगे और वो बाद में आएंगे। लेकिन बाद में जब ये खबर खोली तो जैसा कि इससे पूछताछ में इसने बताया कि कुछ घबराहट प्रॉब्लम या जो भी थी, इन लोगों ने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया और लगातार फिर फरारी काटते रहे, और इसी वजह से ये लोग जो है अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो पाए। सर, घटना के पीछे की वजह क्या रही थी, और गिरीश त्यागी जो कि विधायक अजित पाटाई के बड़े भाई भी हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट किस तरह से है इस पूरे केस में? देखिए, जो बातें अभी तक इसने बताई हैं वो सारी बातों को हम लोग तस्दीक कर रहे हैं। अभी हम सारी बातों को जो है उसको वेरीफाई करेंगे। मथुरा में 2000